नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आइए रुख कर लेते हैं उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। लालकुआ में भाजपा की ओर से हाल ही में नियुक्त किए गए बिंदुखत्ता मंडल महिला मोर्चा एवं जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति के सदस्य का भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने पार्टियों की नीतियों के बारे में अवगत कराया। वहीं आने वाले दिनों में चलने वाली पार्टी की विभिन्न योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। यहां बिंदुखत्ता स्थित भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक जोशी के आवास पर आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में बिंदुखत्ता मंडल महिला मोर्चा की नवनियुक्त अध्यक्ष ललिता बहुगुणा एवं जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति के सदस्य देवेंद्र बिष्ट का, क्षेत्र विधायक नवीन चंद्र दुमका, जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, मंडल अध्यक्ष दीपक जोशी, भरत नेगी, महिला मोर्चा के अध्यक्ष प्रतिभा जोशी ने फूल मालाओं से स्वागत किया। साथ ही सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी गई। क्षेत्र विधायक नवीन दुमका ने कहा कि भाजपा में कर्मठ कार्यकर्ताओं को हमेशा सम्मान दिया जाता है। उन्होंने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पार्टी को और मजबूती मिलेगी तथा आगामी 2022 के चुनाव में भाजपा और मजबूती से उभरेगी। अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष था, कई जगह उस पर कार्यक्रम हुए, जहाँ पर नहीं हुए वहाँ पर उसके बाद हो रहे हैं। आज हमने बिंदुखत्ता में हमारी जो महिला मोर्चा है उसका गठन हुआ है, उसकी बहनों के साथ और जिला महिला मोर्चा का नेतृत्व तो हमारे बीच में उपस्थित है, पूरी पार्टी का, जिले का और मंडल का नेतृत्व तो है। इन सब के बीच में हमने महिला मोर्चे के सामने अपना विषय रखा, उनका सम्मान किया और उनसे आह्वान किया कि वो समाज के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करें। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कुंभ मेले से संबंधित कला को शहरवासियों के लिए प्रदर्शित किया गया। स्नेहिल संस्था के द्वारा आयोजित कला प्रदर्शनी को देखने के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे, जिन्होंने कला प्रदर्शनी की जमकर तारीफ की। कला प्रदर्शनी का मकसद भारतीय संस्कृति का संवर्धन करना है। स्नेहिल संस्था के सदस्यों ने बताया कि संस्था ऋषिकेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस प्रकार की प्रदर्शनी लगाने का काम करती, जिससे भारतीय संस्कृति को बचाने में मदद मिल सके। निरंतर 2010 से गंगा संरक्षण अभियान में कलात्मक गतिविधियों के माध्यम से रत है। पूरे देश में निरंतर कला प्रदर्शनियां, कला संगोष्ठियां आयोजित किए हैं संस्था ने, और हमें खुशी इस बात की है कि हमें लगभग 100 से ज़्यादा कलाकारों का इसमें सहयोग मिला है, अलग अलग राज्यों से भी, अलग अलग महाविद्यालयों से, यानी युवा और वरिष्ठ कलाकार एक मंच पर एक साथ इस अभियान को चलाते हैं। आज हमारी 21वीं कला प्रदर्शनी है, 21वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी, और 2021 चल रहा है और कुंभ का शुभारंभ होने जा रहा है। तो उससे पूर्व हमारा ये प्रयास था कि हम सामान्य जन जागरण को, सामान्य जन लोगों को ये जागृत कर पाए कि जब आप गंगा स्नान के लिए जाएं तो जितनी श्रद्धा के साथ जाएं उतनी ही सतर्कता के साथ जाएं। ऋषिकेश में दुकानें लगाने के लिए स्थायी ठिकाने देने की मांग को लेकर धरने पर बैठे फुटकर फल सब्जी व्यापारियों की दो दिन बाद भी नगर निगम ने सुध नहीं ली है, जिससे सब्जी व्यापारियों में नगर निगम के खिलाफ गुस्सा और अधिक भड़क गया है। सब्जी व्यापारियों ने नगर निगम के खिलाफ अब अपना आंदोलन उग्र और अनोखा करने का मन बना लिया है। 15 मार्च को व्यापारी चिता पर बैठकर नगर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। व्यापारियों का कहना है कि लॉकडाउन अनलॉक हो चुका है, बावजूद इसके उन्हें जीवनी माई रोड पर बने अपने पुराने ठिकानों पर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यही नहीं, एक स्थायी ठिकाने पर भी नगर निगम उपलब्ध न कराकर सब्जी व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहा है। व्यापारियों ने एक स्वर में कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक नगर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। उत्तराखंड अपनी संस्कृति और लोक त्योहारों के लिए एक अलग पहचान रखता है। यहाँ मनाए जाने वाले तीज त्योहारों में प्रकृति के प्रति प्रेम दिखाई देता है। ऐसा ही एक त्यौहार है फूल देई। आज चैत्र मास की संक्रांति से फूल देई पर्व की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में भी फूल देई त्यौहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा। पारंपरिक वेशभूषा के साथ छोटे छोटे बच्चों ने नगर क्षेत्र में घूमकर लोगों के आंगन में फूल डाले। वहीं स्थानीय लोगों ने भी पारंपरिक लोकगीतों के साथ यात्रा निकालकर लोगों को फूल देई की शुभकामना दी। फूल देई उत्तराखंड के लोक त्योहारों में से एक है और त्योहार चैस मात्र शुरू होने से और हिंदू नववर्ष के आने तक मनाया जाता है। छोटे छोटे थे तो हम लोग जैसे ये अभी ये फागुन का वैसा महीने ख़त्म होता है, उसके बाद चैत्र का महीने लगता है, तो फागुन के महीने के अमावस्या संक्रांति के दिन, पूर्ण मासांति के दिन महीना ख़त्म होता है, उससे एक दिन पहले हम सब लोग फूल लेने जाते थे और फूल लेके
फिर सुबह सुबह लोगों के घर में डालते थे, इसे फूल संक्रांति भी कहते हैं और फूलदेही भी कहते हैं। तो उस समय एक ये प्रचलन में था, बच्चे सभी सुबह जल्दी उठ जाते थे और अपने फूल को तोड़ के शाम को या सुबह फूल तोड़ के लोगों के घर घर डेली में जाके फूल को डालते थे। लेकिन ये विलुप्त जो हमारी जो संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, इसको संरक्षित करने के लिए, इसका बढ़ावा करने के लिए हम सब लोगों ने, श्रीनगर के वासियों ने एक प्रथा चलाई है, एक मुहिम चलाई है कि हम लोग प्रत्येक वर्ष के फूलदेही संक्रांति जो 14 मार्च या 15 मार्च जब भी आती है, उसके दिन हम सब लोग इकट्ठा हो गए, सारे शहर के बच्चे हो गए, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, जितने भी संस्था के लोग हैं और सामाजिक लोग हैं, वो सब लोग इकट्ठा हो गए सुबह संक्रांति के दिन, फूलदेही संक्रांति के दिन एक प्रभात फेरी निकालते हैं और प्रभात फेरी निकाल कर ये सूचना देते हैं, कि फूलदेही एक कार्यक्रम है, इसको हमको विलुप्त होने से बचाना चाहिए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। देहरादून में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भागीरथी पुरम स्थित अपने आवास पर बच्चों के साथ प्रकृति का आभार प्रकट करने वाले लोक पर्व फूलदेही त्यौहार को मनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वसंत ऋतु का यह पर्व सबके जीवन में सुख समृद्धि एवं खुशहाली लाए। और वसंत ऋतु उसकी याद दिलाती है और इसके लिए मैं मैथिली जी का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक स्वच्छता का अभियान प्रयास किया है, तो बहुत ही अच्छा सफल। और आपके माध्यम से मैं इन बच्चों को, कन्याओं को, उनको प्रणाम करते हुए, क्योंकि ये हमारी धरोहर है और ये समाज और सब जिले के द्वारा खड़ा होने वाला है, और बंधन करता हूँ कन्याओं का। ऋषिकेश के नटराज चौक पर कांग्रेसियों ने देवेंद्र यादव का भव्य स्वागत किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कांग्रेसियों ने उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया है। इस दौरान उनके साथ संगठन मंत्री विजय सारस्वती मौजूद रहे। जन आक्रोश रैली के दौरान उनके सवाल रहे कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को आखिर क्यों हटाया गया और वो गलत थे तो उनको बनाया ही क्यों गया। बता दें कि कांग्रेस पूरे प्रदेश में जन आक्रोश रैली निकाल रही है जो बीजेपी को परेशान कर सकता है। इसी बीच आज की रैली में देवेंद्र यादव ने कहा कि पूरा देश कांग्रेस की तरफ देख रहा है और हम अब बीते 4 सालों से त्रस्त उत्तराखंड की जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और बीजेपी के घोटालों को सामने लेकर आएंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।